पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री गणेश महोत्सव समिति के तत्वावधान में गणपति चौक बाजारगंज में 31 अगस्त से होने वाले श्री गणेश महोत्सव के लिए प्रतिमाएं पहुंची तो श्रद्धालु खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक दूसरे के गुलाल लगाकर पुष्प वर्षा करके और प्रतिमाओं को फूल मालाएं पहनाकर खुशी का इजहार किया। आयोजन की विस्तार से भी जानकारी दी गई। अध्यक्ष सचिन अग्रवाल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने बताया कि आज मुख्य प्रतिमा 6 फीट के साथ 251 छोटी प्रतिमाएं पहुंची हैं। इन छोटी प्रतिमाओं को सदस्यगण अपने घरों पर स्थापित करेंगे। प्रतिमाओं को 29 अगस्त को अधिवास कराया जाएगा। 31 अगस्त को प्रतिमा मुख्य स्थान पर स्थापित की जाएंगी। साथ ही प्रतिदिन साय सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। इनके लिए बाहर से कलाकारों को बुलाया जा रहा है। प्रतिदिन सुबह आरती होगी और रात 8 बजे महा आरती के बाद महाभोग लगाया जाएगा। कहेंगे आज किस कार्यक्रम? आज श्री भगवान गणेश जी हमारे बाजारगंज घाट मंडी में पधार चुके हैं। 31 तारीख से गणेश महोत्सव का शुभारंभ है। 31 तारीख को सुबह छोटी सी शोभा यात्रा, उसके बाद शाम को 8 बजे भगवान गणेश जी की स्थापना होगी, महाआरती होगी। महाआरती के बाद कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 8 बजे से 6 तक कार्यक्रम रहेगा। 31 तारीख से लेकर 4 तारीख तक रोजाना महाभोग, महाआरती और रात्रि कार्यक्रम धार्मिक रहेंगे। क्या अपील? 5 तारीख को विशाल शोभा यात्रा एवं विशाल भंडारा रहेगा। उसके बाद भगवान जी की प्रतिमा टिगरी को बसों द्वारा और टेम्पू द्वारा ले आई जाएगी। सभी धर्म प्रेमियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर भगवान गणेश जी के दर्शन करें और धार्मिक आयोजन का आनंद लें। परसों की बात ही गणेश जी बाजारगंज में गणपति चौक पर पधार चुके हैं और ये काम चालू होने वाला है। और अभी महानगरवासियों से मेरा निवेदन है कि गणेश जी के दर्शन कर इसका लाभ उठाएँ। और ये प्रोग्राम 2 साल लॉकडाउन की वजह से इसका गैप हुआ है और इस बार हर व्यक्ति को तन मन धन से गणेश जी के दर्शन कर इसका लाभ उठाना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।